नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं मैं आपके समक्ष आज कोई अलग चीज़ नहीं लेकर के, लेकिन एक मुद्दे की बात लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जान देख रहे होंगे कि मेरे चैनल का नाम ही अभी जो है वो मिस्टर केपी शब्दों के बांध से है। मैं आज ये सच रख रहा हूँ, यथार्थ रख रहा हूँ। आज मैं कोई कविता वविता कुछ नहीं रख रहा आपके सामने में, जैसा कि मैं लिखता हूँ आपको पता होगा। मैं आज ये सच्चाई बता रहा हूँ आज के समाज की, जिस तरह से हो रहा है और जैसे चल रही असंवैधानिक गति से, जिस तरह से आज सरकार राजनीतिक अपनी चमका रही है और जिस तरह से असंवैधानिक गति कर रही है, उस पर मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी जो हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से परीक्षाएं व्यक्त की गई, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था, और उसमें दिव्यांगजन की बात करें, विकलांग लोगों का जो उसमें परीक्षा है वो भी शामिल हुए थे। उनके लिए स्पेशल कोटा था, जिसमें आप प्राथमिक में देखेंगे तो 684 समथिंग था, और इसी तरह से हर एक में, चाहे वो 1-5 में हो, चाहे 6-8 में हो, 9, 10, 11, 12 में हो, तो हर एक क्षेत्र में जो विकलांग के लिए जो सेव होते हैं उसमें वो था। लेकिन मैं सरकार का रवैया देखिए कैसा रहा कि एग्ज़ाम तो हम लोगों से ले लिया, लेकिन एग्ज़ाम लोगों का परीक्षा फल ही नहीं जारी किया, हम लोग का जो विशेष कोटा था वो दिया ही नहीं गया, और कट ऑफ बता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ये समझने वाली बात है। एक तरफ कहते हैं कि सीट भी खाली है, अतुल प्रसाद जी ने खुद इस चीज़ को माना है कि सीट खाली है, जब सीट खाली है तो दे क्यों नहीं रहे हो आप। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अभी रेंगते हुए आदमी व्यक्त अपना कैसे चल रहा है, जीवन यापन कर रहा है। जैसा कि आप जानते हो, वैसे आपको पता ही है कि एक दिव्यांग व्यक्ति जो होता है वो कैसे जीवन पर्यंत तक अपने समस्याओं से जूझता रहता है, इसके बावजूद वो कैसे पढ़ता है लिखता है, और इसके बावजूद अगर सरकार इस तरह का रवैया करे, उनको प्रमोट करना चाहिए। जब आप एक तरफ लेडीज़ की कट ऑफ कर देखें, इतना कम रखा गया, हर एक चीज़ का किया गया उनके लिए, वो केवल कट ऑफ पार से ही उनको ले लिया गया, और यहाँ पे तो कोई कट ऑफ ही नहीं, यहाँ पे कोई एक सीट नहीं दिया गया विकलांगों के लिए विकलांग कोटे से। क्या आप जातिवाद, यही चीज़ है यहाँ पे, जातिवाद के बेस पे आप दे देते हैं, ST SC OBC इन सब के लिए दे देते हैं, आप अलग अलग कैटेगरी में दे रहे हैं, तो क्यों नहीं स्पेशल, जब विकलांग कोटा बना हुआ है, जब हमारी सीटें हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे, ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। और दोस्तों, यदि आपके पास ये पहुँच रही है, मैं ये मामला एक जगह का नहीं है, अब धीरे धीरे ये मामलाएँ बढ़ती जा रही है, इस तरह से अगर मामला होता रहा तो वास्तव में बता रहा हूँ कि एक दिन ऐसा होगा जब इस समाज से, जो समाज के मुख्य धारा में हमें जोड़ना चाहिए, मुख्य धारा में हमें और आने वाली पीढ़ी को जोड़ना चाहिए, जिनको सख्त ज़रूरत है इस समय नौकरी की, इस समय चीज़ें की आवश्यकताओं की, आपकी हमारी सहायता की, उन लोगों को इससे दरकिनार कर दिया जाएगा, और ये ऐसा हो ही रहा है, तो इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आइए मिलकर के मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो तक जन जन तक पहुंचाइए, और विशेष रूप से यदि आपसे बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार में हैं, तो आप, मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि इसको जन जन तक आप पहुँचाएँ और सरकार तक शायद ये मेरे वीडियो पहुँच पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि ऐसा होता रहा तो बहुत ये अन्याय होगा हमारे साथ। आज जिस तरह से हमारा, मतलब हमारे कैटेगरी में किसी बंधु को, भाई बंधु को जॉब नहीं दिया गया, ये बड़े दुख की बात है। आप हर एक कैटेगरी से लिए हैं, जब लिए हैं तो आप लोग विकलांग के लिए, हैंडीकैप के लिए और फ्रीडम फाइटर के लिए क्यों नहीं लिए आप, उनको क्यों नहीं दिया आपने सीट, क्यों नहीं दिया उनका एक विशेष लिस्ट क्यों नहीं निकाला गया, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। जो मिनिमम क्राइटेरिया था पास होने का, उससे कहीं ऊपर अधिक हमारा नंबर है, लेकिन इसके बावजूद हमें नहीं दिया गया, ऐसा कैसे हो सकता है। प्लीज़ दोस्तों, इस चीज़ को, इस वीडियो को आपको यदि आते एक तक पहुँचते तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, और असंवैधानिक गति जिस तरह से बिहार में चल रहा है, या इससे प्रेरित होकर कोई और दूसरी सरकार करे, उससे पहले आपसे, आप लोगों से निवेदन कि इसको वीडियो तक जन जन पहुँचाएँ, और विशेष तक यदि हो सके तो सरकार तक यदि मेरी बात पहुँचे तो समझ सकते हैं, शायद इसका निराकरण हो सके आप लोग के सहयोग से, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सब मेरी आवाज़ को पहुंचाएंगे, बिहार के जन जन तक पहुंचाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।